तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी सुबह के 5 बज चुके हैं और हम लोग निकल रहे हैं ताल छप्पर के लिए। महादेव। यस यस। सो सुबह के 7:45 बज चुके हैं और हम लोग रतनगढ़ पहुंच चुके हैं और ये ठंड मौसम की एंजॉय कर रहे हैं। ये क्या लिया आपने? भुजिया। अरे वाह, ये हमारा गर्मा गर्म चाय बन रही है। सो चाय के लिए हम लोग रुके हैं जरा। और ये ताल छप्पर अभयारण्य का मेन गेट। ये सेंचुरी का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है। गुड मॉर्निंग, हम लोग कृष्णमृग अभयारण्य ताल छप्पर में पहुंच गए और संदीप सावंत जी ये गोप्रो फिट करते हुए गाड़ी को, और यहाँ पे गौतम जी अपना एंट्री करते हुए, और अभी हम यहाँ से अंदर जाएंगे। यह सेंचुरी पूरा विशाल ग्रासलैंड है। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, तीतर भाग रहे। अभी थोड़ा रुक रुक के यहाँ की वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर करेंगे। स्पॉटेड आउलेट। मॉन्टेग्यू हैरियर। ओ तेरी, ये तो मुंह से कुछ निकाल रहा है। ब्लैक बक। यूरेशियन केस्ट्रेल फीमेल। दोस्तों, इसके काले नाखून ही इसकी पहचान है। यूरेशियन केस्ट्रेल मेल, इसका क्राउन ग्रे है। सुअर को आई है खुजली। नहाता तो है नहीं। डेजर्ट विटियर। ब्लैक विंग काइट जुवेनाइल। जुवेनाइल इसलिए क्योंकि इसके विंग्स पे क्लियर व्हाइट टिप्स है। वाह बढ़िया, ड्रोंगो की सफारी। ग्रेट ग्रे श्राइक। ये शिकरा तो देखो, पूरा मैल निकल रहा है, मानो कितने दिन से नहाया ही नहीं। शायद आज इसे पार्टी में जाना है। इस पॉन्ड का नाम डॉक्टर सलीम अली पॉन्ड है। तो अभी हम छापर बस स्टैंड के इधर आ गए चाय पीने के लिए। हाँ, चाय लाइबर जी का है, एक लाइबर जी का, एक आपका, और ये मैं ज़्यादा चाय पीता नहीं। ये तो सुनील जी का, उनको तलब हुई चाय की, और अच्छे अच्छे हैरियर के फोटो निकाले, इसके लिए हम लोग चाय पीने के लिए आए। बस स्टैंड पे चाय नाश्ता करके हम सीधे जा रहे हैं गौशाला की तरफ। यहाँ पूरा खिचड़ी का बने।
लार्ज ग्रे बैबलर। बे बैक श्राइक। ग्रे फ्रैंकोलिन। अरे वाह, नीलगाय फीमेल। चलो हम भी निकल लेते हैं अभी सीधा सुजानगढ़ होटल पे। और फाइनली रूम पे पहुंच गए। लाइबर जी और मैं ये रूम शेयर करने वाला हूँ और 2 ही घंटे में वापस सफारी के लिए हम लोग निकलेंगे। और ये खाना आ चुका है। वी ऑल आर रेडी फॉर आवर आफ्टरनून एंड इवनिंग सफारी। चलिए गौतम जी, सब लोग रेडी है आफ्टरनून सफारी के लिए, इवनिंग सफारी के लिए? भाई लोग, संदीप जी की नींद नहीं हुई है अभी तक और हमारे लाइबर जी कुछ भूल गए। क्या कैप कैप की कोई जरूरत नहीं? ओके, ये कैप की कोई जरूरत नहीं, कुछ मिल नहीं रहा। चलो फिर गणपति बाप्पा हर हर महादेव। यहाँ पीने का पानी, मूंगफली, कपास, धान सब कुछ ऊंट की गाड़ी से ढोते हैं। और अभी हम लोग सॉल्ट पैन की तरफ आए हैं। अरे सही, पाइड अवासेट। इसकी चोंच तो देखो तलवार की तरह है। क्रिस्टेड लार्क। कॉमन वुड श्राइक। अभी सॉल्ट पैन से सीधा सेंचुरी की तरफ, सनसेट जो लेना है ब्लैक बक के साथ में। ग्रासलैंड, सनसेट और साथ में ब्लैक बक, ये नजारा छापर के अलावा शायद ही कहीं मिल सकता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। और आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया नहीं होगा
तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए।